सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और जय हिंद सभी को। सो आज स्ट्रेट फॉरवर्ड ये ब्लॉग चालू हो रहा है हमारे तिलक नगर से, क्योंकि आज मैं जा रहा हूँ गाँव। सो गाइस, अभी ट्रेन है 2 घंटा लेट, अभी इन्फॉर्मेशन आई है। और आप ट्रेन भीड़ चेक करो, भीड़ सुसू कर रही है, ट्रेन सुसू कर रही है। उसको प्रेशर आया बहुत जोर से, प्लेटफॉर्म पे मुँह उतरी है। हर 10-15 मिनट में भाई इतने लोग बढ़ रहे, क्या करें। सो गाइस, अभी खबर आई है कि ट्रेन आने वाली है, और ये ट्रेन जस्ट अभी निकली है थोड़ी देर पहले। सो अभी सब लोग अपने अपने पोजीशन पे आ गए, क्योंकि कोच नंबर दिखा दिए, हमारा कोच आएगा आगे। तो अभी हम लोग भी अपना बैग वैग उठा के आगे जाने वाले। जब तक ट्रेन नहीं आती तब तक कंफर्मेशन नहीं मिलती कि कोच किस साइड लगेगी। सो देखते हैं अभी। फाइनली गाइस, हमारी ट्रेन आ चुकी है, लखनऊ एक्सप्रेस, मुंबई टू जयनगर, LTT टू जयनगर। जाने के लिए रेडी, इतना बैग है। हमारे पापा जी आगे आगे चल रहे हैं, और कुछ ज़्यादा ही भीड़ है आज। लोग कोच नंबर है B1, भाई साहब भी आ गए, और ये मैं अपना बैग लेके घूम रहा हूँ कैमरे का, और ये B1 कोच नंबर। कितनी भीड़ है गाइस, देख सकते हो आप, ये कहाँ से आई है इतनी भीड़ भाई। पापा गाइस, यहाँ पे सामान एडजस्ट करने में कुछ ज़्यादा ही टाइम लग रहा है, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा है। सो गाइस, जो हमेशा होता है ट्रेन में झगड़ा हो रहा है सीट के लिए। सो गाइस, फाइनली अभी हमने सब सेट कर दिया, सामान वामान सब रख दिया है, और अभी 5 मिनट में ट्रेन निकलने वाली है। अभी पापा और भाई भी आ गए पीछे, अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर, मस्त AC में जाएंगे आराम से रिलैक्स होके। पेंट खींच रहा है तो तू बैठ ना। 12 साल की है। हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। कल मैं आफ्टरनून में जो सोया, शाम को ही उठा, और शाम को इतनी भीड़ हो गई थी कि व्लॉग बनाने का मौका ही नहीं मिला। और अभी मॉर्निंग में 10 बजे हम लोग पहुँचे हैं मानिकपुर, और हमारी ट्रेन है 2-3 घंटा लेट। नहीं है भाई, छुट्टा नहीं है, अंदर है गाड़ी में भाई। गाइस, ये लौंडा था जो सुबह सुबह सोने नहीं दे रहा था, ना रात में सोने दिया ना सुबह सोने दिया है इस लड़के ने। पुलिस को भेजूंगा इसकी वीडियो, पुलिस पकड़ के लेके जाएगी। चाय 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 चाय। देख के चल रहा, गरम लगा दिया, गरम लगा दिया, बॉडी बना रहा है गाइस। बोलता मैं बॉडी बना रहा हूँ, बॉडी दिखा, बॉडी दिखा, ऐसा बॉडी दिखा, मार के दिखा रहे। सो गाइस, हमने लिया है 50 रुपए का ब्रेड ऑमलेट, अभी नाश्ता करेंगे अच्छे से। ब्रेकफास्ट नाश्ता है, ब्रेड ऑमलेट है, देखा अंकल ने खुद बता दिया। खाना चाहिए, खाना भी आ गया, तो अभी पहले ब्रेड ऑमलेट खाएंगे, आराम से नाश्ता करेंगे। सो हे गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं प्रयागराज। इसका टाइमिंग 9 बजे का है, पर 12 बजे पहुंची है, लेट चल रही है गाड़ी। और इस सफर में गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस सफर में एक खुशी की बात है कि आज मेरे डैड का बर्थडे है, और मैंने उनके लिए एक गिफ्ट लिया है, वॉच लिया है नॉइस का। सो अभी जैसे अभी यहाँ पे आधे घंटे का होल्ड है, अभी इंजन चेंज होगा, तो जैसे ही गाड़ी चलेगी मैं उनको सरप्राइज दूंगा। हाँ चाचा। सो गाइस, ट्रेन चलने लगी और हमारा खाना भी आ गया, बहुत जल्दी आ गया, तो पहले हम खाना खाएंगे उसके बाद गिफ्ट वगैरह देंगे। चुपके से वो भी, मैंने अपना मंगवाया है नॉन वेज, अंडा करी, राइस, दाल, और उस भाई ने मंगाया पनीर, और बाकी सेम ही है, दाल चावल अचार। उधर गंगा नदी गाइस, गंगा नदी। अभी यहाँ पे झगड़ा शुरू हो गया,
क्या हो गया भाई? इसने हमें रात में सोने नहीं दिया, हम इसे दिन में सोने नहीं देंगे। अरे भाई मैं नहीं हूँ यार, उधर नॉइस पल्स टू मैक्स, नाइस। सो गाइस अभी ये लोग जा रहे, इस भाई ने हमारा पूरा टाइम बिताया और ये अभी दरभंगा उतर रहे। हमारा युवराज जा रहा है, इसने हमारा पूरा दिन निकाला है, दो दिन और आने। बाय युवराज। चल भाई। और ये भाई ने भी बहुत साथ दिया हमारा, ये हमारे अगले स्टेशन पे उतरेगा। हेलो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हाँ युवराज बाय बाय। किसी जगह पे मैं रुका नहीं। गाइस अभी टाइम हो रहा है 2:06 और अभी हमें दरभंगा, अभी एक स्टेशन के बाद ये भाई उतर जाएंगे और अगले स्टेशन में हम उतर जाएंगे। आज है तीसरा दिन और अभी टाइम हो रहा है, एक मिनट कितना टाइम हो रहा है, 2:42। हाँ मतलब हम लोग 3:05-3:10 तक तो पहुंच जाएंगे ना पर। हाँ 3:05-3:10 तक तो हम पहुंच जाएंगे। अभी सामान बैग में अभी पापा निकाल रहे एक ही करके, अभी मैं भी इनकी हेल्प करता हूँ। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूँ अपने स्टेशन पे और मेरे मामा आ गए मेरे को पिक करने के लिए। पर आए मतलब ऐसा पैर छूते ना, मैं भी छूता हूँ। हम लोग पहुंच गए, अभी फिलहाल तो अंधेरा है, बहुत पीछे उतारा है इसी कोच को। सो गाइस अभी थोड़ा स्ट्रगल का टाइम है क्योंकि ब्रिज बहुत आगे, हम लोग यहीं से क्रॉस करने वाले हैं अभी। रुक जा मम्मी, तू रुक जा, मैं सीढ़ी से लेके आता मम्मी को। सीढ़ी से पास में की ये हमने अपना बैग सब वहाँ किया और हम लोग पटरी के ऊपर आ गए। यस अभी सब बैग आ गया है हमारा और मम्मी को उतरने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए मम्मी वहाँ से चल के आ रही है, वहाँ से चल के आएंगे। और मामा कैसा लग रहा है सुबह सुबह उठ के यहाँ? अच्छा, बहुत ही ताजगी महसूस हो रहा है। ताजगी महसूस हो रहा है, कैसा लगा? हमने नींद खराब कर दिया दिनों के बाद इतने सवेरे। देखो एक साल में एक ना एक बार हम लोग किसी ना किसी का नींद खराब करते ही। बिल्कुल। और इस बार आपका नंबर था। मधुबनी पेंटिंग गाइस, फाइनली गाइस मधुबनी। देखो कितनी सारी भीड़ है और हम लोग निकल रहे अभी बाहर यहाँ से। तो गाइस हम लोगों ने किया जिसमें हमने अपना सामान भर लिया और हम लोग अभी निकल रहे हैं। गाड़ी के तो सेंटर में मैं बैठा हूँ। सो गाइस अभी जस्ट हम लोग ई रिक्शा से उतर गए, मामा जी का घर इधर, और हम लोग जा रहे हैं अभी सामान वामान रखते हैं ऊपर। और अभी रात के बज रहे हैं 3:22। सो किसी को बिना डिस्टर्ब किए, अरे मामी आ गए। मामी इतने रात तक जगह हमारे लिए। So, hey guys, मैं आ चुका हूँ मामा के घर में मस्त आराम से। मामी भर रही है पानी। आप मामी वैसे ही रहते हैं अभी, क्या ही कर सकते हैं। और यहाँ पे मम्मी पापा बैठे हैं। फाइनली 3 दिन के सफर में ट्रेन में मजा आ गया, आप लोगों ने भी देखा होगा कितना मजा आया। वो युवराज करके छोटा बच्चा था और साथ में एक और था कन्हैया, वो दोनों थे। तो 3 दिन कैसे बीते पता नहीं चला। सो
अभी मेरे भाई बहन सोए हैं, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुको। ठीक बेटा, मेरे को मच्छरदानी में मेरे भाई बहन सोए हुए, इनको डिस्टर्ब करेंगे वो, अभी इनको सोने देते। सो गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो मुंबई से बिहार के सफर में। सो ये ब्लॉग में यही एंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और जय हिंद सभी को। बाय बाय, टेक केयर।